गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का मुद्दा है ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक नेता के बीच तनातनी को लेकर। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समीक्षा बैठक की लखनऊ में, और इस दौरान बहुत से पार्टी के आला नेता मौजूद थे, लेकिन जो बड़े बड़े नेता थे, नामी नेता थे, उन्होंने इस मीटिंग से कन्नी काट रखी थी। और इन नेताओं में एक नाम शामिल है जितिन प्रसाद का, जो कि कांग्रेस के युवा नेताओं में शामिल किए जाते हैं। और जितिन प्रसाद यूपीए सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री भी संभाल, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी पा चुके हैं। लेकिन उसके बाद से 2014 से, जब से मोदी सरकार सत्ता पर काबिज रही, उसके बाद से जितिन प्रसाद कहाँ गए, कभी भी उनकी चर्चा नहीं हुई। फिर खबर आई जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, तो उस दौरान खबर आई कि उनके जो भाई हैं, भैया भाभी, बीजेपी में शामिल हो गए। उस दौरान ये भी खबर आई कि जितिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन बाद में जितिन प्रसाद ने इन सभी खबरों को निराधार बताया। अब ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में दोहरा से जहां से चुनाव लड़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा। तीसरे नंबर पर थे जितिन प्रसाद और उनकी सीट का नाम जो था, वो उस सीट से वो लगातार वहाँ से दो बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से दौरहरा, उनकी संसदीय सीट का नाम है दौरहरा, तो उस सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में जितिन प्रसाद भी वो उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीटिंग से कन्नी काट रखी। अब ऐसे में ये खबर आ रही कि जितने नेताओं ने कन्नी काटी थी, वो अब अपनी अलग मीटिंग करेंगे, यानी कि अब कांग्रेस में फूट की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया था और पूर्वांचल का जिम्मा प्रियंका गांधी को सौंपा गया था लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, अब ऐसे में प्रियंका पूर्वांचल के जिम्मेदार हैं, तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में गलत खराब प्रदर्शन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार हैं। अब ऐसे में जिस तरह से सिंधिया ने मीटिंग बुलाई, बैठक की, समीक्षा की, वहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, वहाँ पर कम से कम 40 नेता पार्टी के मौजूद थे, लेकिन जो बड़े बड़े नेता थे, जिसमें कि एक नाम जितिन प्रसाद का है, श्री प्रकाश जायसवाल का है, इमरान मसूद का नाम है, जो कि इस पार्टी जो इस मीटिंग से नदारद रहे। अब ऐसे में एक नेता और थे जिन्होंने खुलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरी खरी सुना दी कि आप में भी बहुत सी कमियाँ हैं, आपने बिल्कुल सही से काम नहीं किया। उन्होंने खुद इस चीज़ की शुरुआत इस तरह से की कि जिस सेना का सेनापति कन्फ्यूज होगा, वो सेना कभी जंग नहीं जीत सकती है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार्यशैली पर नेता ने सवाल उठाए कि जब आपने खुद ही ढंग से काम नहीं किया, तो आप अपने नीचे आने वाले नेताओं से कैसे काम करवा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से दो टुक बात की और उनको खरी खरी सुना दी है। और जिस तरह से कहा है, जिस सेना का सेनापति कंफ्यूज होता है, वो सेना हार जाती है। महाराज, हमारे सेनापति आखिर तक ये तय नहीं कर पाए कि कार्यकर्ताओं को लड़ाना है या पैराशूट प्रत्याशियों को, और यही कंफ्यूजन पार्टी की बुरी हार की वजह बन गया। पार्टी की मजबूती के लिए अब प्रयोग बंद कीजिए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक नेता ने खरी खरी सुना दी है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये सब खरी खरी सुनी है, उस दौरान वहाँ पर प्रभारी सचिव रोहित चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद थे। लेकिन आपको बता दूं कि राज बब्बर भी ने इस बार, राज बब्बर को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पश्चिमी यूपी की फतेहपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको इस बार असफलता मिली। और जो समीक्षा रिपोर्ट 30 जून तक सभी राज्यों के प्रभारियों को समीक्षा रिपोर्ट जो है वो AICC को सौंपनी है, इसी बाबत मीटिंग की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। लेकिन इस बैठक में जितिन प्रसाद, इमरान मसूद, सलमान खुर्शीद और श्री प्रकाश जायसवाल जैसे नेता शामिल नहीं हुए। और जो शामिल हुए, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली से लखनऊ की दूरी इतनी दूर नहीं है कि कोई इंसान दिल्ली से लखनऊ नहीं आ सकता। यानी कि 28 प्रत्याशी जो थे, बैठक में भाग लिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जो बाकी नेता नहीं आए हैं, वो आखिर क्यों नहीं आए हैं, और इतनी दूरी नहीं है दिल्ली से लखनऊ में कि वो लखनऊ ना आ सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सवाल ये खुलकर सामने आ रहा है, और साथ ही साथ ठीकरा भी अब फोड़ा जाने लगा है एक दूसरे पर कि तुमने ऐसा किया, हमने ऐसा नहीं किया, तुमने हमारे अनुसार काम नहीं किया। बहुत सी बातों को अब खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि जब हार होती है तो हार पे हर कोई, सफलता का जिम्मा हर कोई लेना चाहता है, बट असफलता का जिम्मा हर कोई टरका देना चाहता है। वही टरकाने की स्थिति इस वक्त कांग्रेस में देखी जा रही है। जिला और शहर अध्यक्षों का कहना है कि उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान संगठन को अहमियत नहीं दी, इसके बाद भी पार्टी के नाते प्रचार करते रहे और यही अनदेखी हार का कारण बन गई।
अब पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसका सिंधिया को दारोमदार सौंपा गया था, वहां पे आप देख ली क्या परफॉर्मेंस रही। 39 लोकसभा सीटें आती है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी यहाँ कोई सीट नहीं जीत पाई। कांग्रेस का प्रदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ठीक नहीं रहा। रायबरेली छोड़कर एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई। पश्चिमी यूपी की 39 में से 14 सीटों की समीक्षा पिछले दिनों दिल्ली में हुई, और बाकी 25 सीटों की समीक्षा के लिए कांग्रेस नेताओं, प्रत्याशी, जिला और शहर अध्यक्षों के साथ लोकसभा कोऑर्डिनेटरों को भी लखनऊ बुलाया गया। और इस दौरान धौरहरा, जहां से जितेंद्र प्रसाद इस बार हारे हैं धौरहरा से, और सीतापुर से कैसर झा को छोड़कर बाकी सभी 23 प्रत्याशी मौजूद रहे। यानी कुल मिलाकर जितेंद्र प्रसाद अब लगातार जो है मीटिंग से कन्नी काटते हुए नजर आ रही हैं। तो क्या ऐसे में जितेंद्र प्रसाद को अब कांग्रेस रास नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा धौरहरा से। फिर उनके समर्थकों ने जब काफी बवाल किया तो ऐसे में ये खबर निकल कर आई कि उनको धौरहरा से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, बल्कि उनको लखनऊ से टिकट दिया जाएगा। लेकिन लखनऊ से नहीं, फिर से उन्होंने उनकी सीट को रिटेन किया गया और धौरहरा से उन्होंने चुनाव लड़ना मुनासिब समझा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी कि इस बार जो है युवा वर्सेस युवा नेता की लड़ाई कांग्रेस में देखने को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर जितेंद्र प्रसाद जो हैं कहीं ना कहीं जो हैं वो असंतुष्ट हैं, और शायद अब वो खुश नहीं हैं कांग्रेस में रहकर। और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी पर सवाल उठे हैं, जिस तरह से उनको काफ़ी कुछ सुनाया गया है, वो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि अब नेता एक दूसरे की नहीं सुनने वाले हैं। और सिंधिया ने जिस तरह से परफॉर्मेंस पश्चिम उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में कुल मिलाकर समीक्षा बैठक की गई है, और साथ ही साथ सिंधिया से इस बात बारे में भी सवाल पूछा गया कि प्रियंका गांधी क्या 2022 में सीएम कैंडिडेट के तौर पर नजर आएंगी। तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी आला कमान करेगा। फिलहाल जिस तरह से सिंधिया की मीटिंग में समीक्षा बैठक में बड़े बड़े नेताओं ने कन्नी काटी है, वो साफ साफ बयां कर रहा है कि लोग सिंधिया की कार्यशैली से खुश नहीं हैं, या तो फिर कुछ और बात है या फिर वो सिंधिया को अब पसंद नहीं करते हैं, या तो वो खुद को उतना छोटा महसूस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे में युवा नेता वर्सेस युवा नेता की अब लड़ाई खुलकर सामने हमें देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से जितेंद्र प्रसाद बहुत दिनों से गायब हैं और उनकी कोई ऐसी चर्चाएं नहीं होती हैं, तो ऐसे में साफ साफ ये कहीं ये बातें निकल कर सामने आ रही कि शायद जितेंद्र प्रसाद का अब कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है। नमस्कार।